टीबी। टीबी एक जानलेवा बीमारी है। हर साल सैकड़ों लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं। आज हम अपनी इस छोटी सी प्रस्तुति के माध्यम से उन सभी गुमनाम चेहरों पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं दीदी, बस दो तीन हफ्ते से थोड़ी खांसी है, ठीक हो जाएगी। थोड़ा ख्याल रखा कर अपना, और खाना बनाते वक्त मुंह ढक के रखा कर। बच्चों को खांसी कर देगी तो क्या, कहाँ जाऊंगी मैं? जी दीदी। आंटी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, छोटी मोटी बीमारी तो होती रहती है, बस टाइम पे जाके दिखा लेना और ध्यान रखा कर। जी दीदी। क्या रुकिए, कैसी बीमारी लेके आई हो? डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आसपास रहने वाले सभी लोगों को फैलती है। अब तेरी मालकिन हम दोनों को काम से निकाल देगी, कौन सा संभालेगा तेरा खर्चा? आप चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन से बात करूंगी, वो बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएगी, वो आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे। देख लियो तू, तेरी मालकिन देखते रहे। आज मीना को यही बनाने के लिए बोलती हूँ। दीदी मैं अंदर आ जाऊँ? अरे मीना आ बैठ, तेरे बारे में ही सोच रही थी। कैसी है? दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो मैं हॉस्पिटल गई थी ना टीबी की जांच कराने के लिए, तो अभी कल ही रिपोर्ट आई है और डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। तुझे टीबी हो गया है? जी दीदी, वो पिछले कुछ दो तीन हफ्तों से मुझे लगातार खांसी थी तो मैं हॉस्पिटल गई थी। बस बस मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी निकल जा मेरे घर से बाहर, पूरे घर को टीबी फैला दिया होगा, पता नहीं कब से बीमारी पाल के बैठी है। दीदी मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी, पर मेरे पास इलाज तो कराने के पैसे नहीं है, अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो। मदद? मदद किस चीज की चाहिए तुझे? मेरे पूरे घर में टीबी फैलाने की मदद दो तुझे? कल से अपने पति को बोलना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दीदी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को तो काम से मत निकालिए, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बस बस मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। मीना जी भारत में रहने वाले अनगिनत लोगों की तरह अज्ञात थी कि भारत सरकार ने टीबी ग्रस्त गरीबों के लिए विभिन्न प्रोग्राम चलाए हैं। टीबी की दवाई आज सभी को निःशुल्क दी जाती है। वहीं निक्षय नाम से चलाया जा रहा एक अभियान जिसमें पीड़ितों को अपना पोषण पूरा करने के लिए हर माह 500 रुपए दिए जाते हैं, वह भी टीबी रोगियों के लिए आज आशा की एक किरण बनकर उभरा है। अब क्या करने अंकल, वो मीना आंटी बीमार थे ना, तो उनका हाल चाल पूछ रही थी, कैसी है वो? बीमार तो थे मीना आंटी तुम्हारे, पर अब नहीं रहे। क्या मीना आंटी नहीं आए? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है, जब तुमसे और तुम्हारी माँ से मदद मांगी थी हमने, तब तुमने उसे काम से निकाल दिया था, अब नहीं रहे वो बीमारी के चलते। हट जाओ, मुझे काम पे जाना है। बच्चों मैं आपके पास आज डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन आईजीएमसी से आई हूँ और मैं आपके साथ टीबी के विषय में बात करना चाहती हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरकार की इतनी कोशिशों के बावजूद भी टीबी का संक्रमण है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और हमारी जो भारत सरकार की स्कीम है नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसके तहत हमारा ये गोल है कि हम भारत को टीबी मुक्त बना सके 2025 तक। तो टीबी जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, आप सभी को इसके बारे में पता है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो बैक्टीरिया है उससे होता है। और जब संक्रमित व्यक्ति, कोई भी संक्रमित व्यक्ति खुले में छींके खांसे, तो हवा के द्वारा जो है ये बैक्टीरिया जो हेल्दी लोग हैं जो संक्रमित नहीं है उन तक फैल सकता है। और टीबी के जो मुख्य लक्षण है उनमें आता है जैसे कि 2 हफ्ते तक बुखार, खांसी, जुकाम, बलगम में खून आना, वजन का घटना बिना किसी कारण के, रात के समय पसीना आना बहुत ज्यादा, सांस लेने में दिक्कत आना, ये टीबी के लक्षण है और इन्हें हमें पहचानना है जो अपने आसपास लोग हैं। तो मैं आज जो मेरा यहाँ पे आने का मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप लोग समझ सके कि आप अपने टीबी के जो ये लक्षण है वो कैसे पहचानना है।
आप बहुत बीमार लग रहे हो। कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी खांसी है बस। नहीं नहीं, आप ना कल रात को भी खाते थे। तो क्या हुआ, दवाई ले लूंगी ठीक हो जाऊंगी, इसमें क्या है? अरे नहीं, आपको मेरे से ना हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, बहुत बीमार लग रहे हो। इतनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए नहीं जाते हॉस्पिटल। नहीं नहीं, आप मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस आपने मेरे साथ हॉस्पिटल चल। चल ठीक है, तेरा मन रखने के लिए चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या नाम है आपका? अक्सर नीता। बेटी कितनी है जी आपकी? मैं 40 साल की हूँ। हाँ जी, क्या हुआ है? मुझे खांसी है कुछ दिनों से। नहीं जी डॉक्टर, इनको खांसी ही नहीं, इनको ना बुखार भी है कई दिनों से। कुछ 2 हफ्ता 3 हफ्ता रख लो। नहीं है। आपको रात को पसीना आता है? हाँ जी आता है। अच्छा, आपका कोई वेट वगैरह कम हुआ नोटिस किया आपने? देखा तो नहीं डॉक्टर, बिल्कुल भी। लेकिन थोड़े बहुत हुए हैं। आज पड़ोस में टीवी था किसी को? काम वाली को था, पर उसको मैंने घर से बाहर निकाल दिया। कितना टाइम पहले था उसको? पता नहीं डॉक्टर साहब, कितने महीने हो गए उसको? 6 महीने से ज्यादा हो गए। 6 महीने डॉक्टर साहब, एक और चीज ना, मुझे खांसते वक्त खून भी आया एक दो बार बर्गम में। कब आया? कितने दिन हो गए? 4-5 दिन पहले। मुझे आपको ना चेक करना पड़ेगा, आप मुड़ जाओ और लंबी लंबी सांस लेना। आराम से करो। ठीक है, अच्छा मुड़ो। तो नीता जी, ऐसा है कि आप ना ऊपर जाके RT-PCR करा दो, जो कोविड का टेस्ट होता है, और एक आपने ऊपर डॉट सेंटर में जाना है, वहां होती है बलगम की हाँ। आपको बताएंगे कैसी होती है, आपने वो करना है। और प्रति दिन आपको ये पैरासिटामोल दे रही हूँ, ये देखना। ठीक है, ओके, थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते नीता जी। और आगे रिपोर्ट आपकी? नीता जी, कोविड की रिपोर्ट तो नेगेटिव है आपकी, पर आपकी टीबी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई है। मुझे टीबी हो गया है जी? मुझे टीबी कैसे हो सकता है? नीता जी, टीबी हिंदुस्तान में जाना को बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत लोगों में फैला हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। तो अब ऐसा है कि डरने की कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है कि अब आप यहां से जाओगे सीधा डॉट सेंटर ऊपर, वहां पर आपने अपने आपको रजिस्टर करवाना है, नंबर वगैरह नहीं है वो आपका। फिर आप मिलो वहां हमारे काउंसलर से, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे आपने टीबी से क्या रहना है आपने ढंग से। उसके बाद आपको दी जाएगी 99 डॉट्स के पत्ते, दवाई होगी, उस दवाई में हर गोली के पीछे एक नंबर लिखा होगा। तो आपने जब भी आप दवाई खाओ, आपने उस नंबर पे एक मिस्ड कॉल कर देनी है, हमें यहाँ पता लग जाएगा कि आपने दवाई खा ली है। दवाई खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि और किसी दिन बाय चांस भूल जाते दवाई खाना, तो भी आपको यहाँ से SMS आ जाएगा कि आपने दवाई नहीं खाई है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देती हूँ, आपको काउंसलर भी बताएंगे ऊपर, पर यहाँ सुन लो। आपने क्या करना है कि घर में ऐसे कमरे में रहो जहां पे खिड़कियां दरवाजे आप खुले रख सको, खुली हवा आ सके, ठीक है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स ढंग से रोज खाने हैं, ठीक है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं खाते हो। आपने अपने घर में बच्चे पति से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कम रखना है। ये जो दवाई होती है ये आपको ना 1-1.5 महीने में ऐसे लगेगा कि इनकी तबीयत ठीक हो रही है, तो आपने दवाई खानी तक छोड़नी नहीं है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ तो नहीं खानी है। 6 महीने का कोर्स है, पूरा करो। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू। मामा, अब तो आप काफी ठीक हो गई ना? हाँ बेटा, तबीयत तो मेरी काफी ठीक हो चुकी है। चलो, टाइमली हमें इस बीमारी का पता चल गया और इलाज भी आपका टाइमली हो गया, अब आप ठीक है। बेटा मैं तो ठीक हो गई, पर मुझे एक चीज का रिग्रेट है। मैंने जाने अनजाने में मीना के साथ पता नहीं कितना गलत कर दिया, उसके आखिरी दिनों में मेरे कारण उसे कितनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ा है।